स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम उसकी डीपीपी थर्ड शीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न। हमको एक पैटर्न दिया है 11, 8, 5, 2 and -3 दिया है हमको, और ये नेक्स्ट थ्री नंबर्स हमको बताने हैं। सबसे पहले हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा जो फर्स्ट नंबर है वो 11 है एंड सेकंड नंबर इससे 3 लेस है, और थर्ड नंबर जो है वो सेकंड वाले से 3 लेस है एंड फोर्थ नंबर जो है वो थर्ड वाले से 3 लेस है। तो मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे 3 लेस होगा, तो इससे 3 लेस कितना हो गया -1। उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे 3 लेस होगा -4, और जो इसके आगे वाला नंबर होगा वो इससे 3 लेस होगा -7। तो -1, -4, -7 ऑप्शन देख लो आप, -4 ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डी, वाटर लेवल इन द वेल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। सपोज ये ग्राउंड था और यहां पर आपका कुआ था। ठीक है, तो वो जो वाटर है कुएं में वो ग्राउंड से 20 मीटर नीचे है। नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कलेक्टेड इन द डिफरेंट वाटर टैंक्स वॉज ड्रेन्ड इनटू द वेल एंड द वाटर लेवल राइज 5 मीटर अबव। रेनी सीजन में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स में वाटर इकट्ठा किया गया और उस वाटर को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, वाटर लेवल जो पहले यहां था बिल्कुल नीचे, अभी वो 3-5 मीटर अबव ऊपर की तरफ उठ गया, मतलब यहां तक आ गया। ठीक है, जो अभी बिल्कुल नीचे था 5 मीटर ऊपर आ गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है द वॉल ऑफ द वेल इज 20 सेंटीमीटर हाई। ये जो वेल है इस पे वॉल भी लगाई हुई है ताकि कोई नॉर्मल चलते चलते इसके अंदर ना गिर जाए, है ना, कोई में आपने देखा होगा एक दीवार सी बनी रहती है। ठीक, तो वो कितनी ऊंची है, ये जो वेल है मतलब यहाँ पे जो वॉल है वो है हमारी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.2, और 1 मीटर ऑलरेडी था तो 0.2 प्लस 1 मीटर 1.2। नेक्स्ट, एंड ए पुली फिक्स एट ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब इस पे भी ना एक पुली लगाई गई है, वो पानी खींचने के लिए पुली लगी होती है यहां पर। ठीक है, और जिसके ऊपर से रस्सा इसके नीचे जाता है और यहाँ पे बाल्टी होती है जिससे ये पानी खींचा जाता है। तो ये जो पुली है इसकी हाइट भी इसने हमें को दी हुई है, कितनी की हाइट पे लगी हुई है, ये 80 सेंटीमीटर की हाइट पे लगी हुई है, तो ये भी हो जाएगा कितना 0.8 मीटर। पूरे क्वेश्चन को मीटर में करेंगे क्योंकि आंसर मीटर में दिए हुए हमें। ठीक है, तो ये हो गया 0.8 मीटर। ठीक, आगे इसने बोला है रघु वॉन्ट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप डेट ही कैन यूज। ठीक है, अब उसको पानी निकालना है, किसको, रघु को, इसके अंदर से, तो उसको कितनी मीटर की रस्सी चाहिए होगी, उसको ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक, कहां तक, यहां तक जहां पे वाटर का लेवल है, इतनी रस्सी तो चाहिए ही होगी, है ना, यहां से लेके इस हाइट से लेके जहां पर उसका पानी है वहां तक के लिए रस्सी तो चाहिए ही उसको एटलीस्ट, है ना। तो अभी हमको क्या बोला है इसने कि इस रस्सी की लेंथ बताओ, इस मिनिमम लेंथ बताओ इस रस्सी की जिससे वो रघु उसके अंदर से पानी निकाल सके। तो हमें बस यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है उसको हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल लेंथ कितनी है, 0.8 इधर, 0.1.2 इधर, यहां तक पहुंच गए हम। अब उसके बाद ये कितनी है हमारी 15 मीटर। ठीक है, तो 0.8 प्लस 1.2 प्लस 15 मीटर, और ये हो गई हमारी कितनी 17 मीटर। तो मतलब उसको 17 मीटर की रस्सी तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ये 15 कैसे आया, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल 20 था, अब बारिश का जो पानी हमने उसके अंदर डाल दिया तो ये जो वाटर का लेवल है ये 5 मीटर राइज हो गया, तो कितना बच गया, 15 मीटर ही तो बचा, टोटल 20 था, 5 मीटर पानी ऊपर उठ गया तो यहां तक का बचा 15 मीटर, यहां से यहां तक 15 ये हो गया, एंड 1.0.8 एंड 1.2 कितना होता है 2 मीटर। तो 15 प्लस ये हो गया 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल
17 मीटर, तो उसको एटलीस्ट 17 मीटर की लंबी रस्सी तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, उसने मिनिमम पूछा है ठीक है। और बाकी तो उसको जितना पीछे तक वो खींचना चाहता, जितनी दूरी से वो खींचना चाहता, अगर वो भी पूछा होता मैक्सिमम, सपोज ये भी दिया होता हमको, तो फिर हम निकाल लेते उसको भी। मिनिमम तो उसको यहां तक पानी लाने के लिए कितनी मीटर लंबी रस्सी चाहिए, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमको -25 × 4 + 6 + 4 इज नॉट सेम एज, तो ये बोला है कि ये जो हमको एक्सप्रेशन दिया है इसके बाद इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये किसके जैसा नहीं है ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 + 10 6 + 4 10 एंड -25 × 10 - 250 ठीक। और हमें एक्सप्रेशन में पहला ऑप्शन दिया था 25 × 6 × 4, तो ये हो गया हमारा 6 × 4 = 24 एंड 24 × 5 = 150, तो ये हो गया 150। तो यहाँ पे -120 एंड यहाँ -150, तो पहले ऑप्शन से हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी के तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी आप देख रहे हो तो बाकी वाले तो इसी के जैसे है ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोला इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंटीजर, तो इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी एंड ए डिवाइडेड बाय बी। तो मैंने आपको इंटीजर्स बताए थे और इंटीजर्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, जैसे दो इंटीजर्स होते हैं तो उनको एड करने में भी जो आता है वो इंटीजर्स ही आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करने में भी इंटीजर आता है, उनको मल्टीप्लाई करने में भी इंटीजर आता है, और उनको अगर हम डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं आता ठीक है। देखो हमने सबके लिए सेम इंटीजर दिए, मल्टीप्लाई एड डिवाइड किया, तो जब हमने डिवाइड किया तो देखा जो नंबर आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, एक रेशनल नंबर है ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट कि ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट सेम एज, ठीक है, मे नॉट बी एन इंटीजर, ए डिवाइडेड बाय बी मे नॉट बी एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए हाइकिंग स्टार्ट एट एलिवेशन ऑफ 30 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है, एक हाइकिंग स्टार्ट हो रही है, हाइकिंग मतलब चढ़ाई, वो सी लेवल जैसे सपोज यहां पर है और इधर कहीं माउंटेन ऐसे, तो वो इससे कितने इंच से स्टार्ट हो रही है, बिलो 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं वो, सपोज यहां पे पानी था और इधर की तरफ माउंटेन था, इधर लैंड था, ये सी लेवल हो गया हमारा, तो 30 मीटर नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड आगे बोला है एंड्स एट ए पॉइंट ऑफ 9500 मीटर, और वो जो खत्म होती है वो कितनी हाइट पे खत्म होती है, 9500 मीटर पे उनकी हाइकिंग वो खत्म होती है चढ़ाई। तो इसने ये बोला हाउ हाई वुड यू बी एट द एंड ऑफ द हाइक, तो हाइक के एंड में तुम कितनी हाइट पर पहुंच गए। देखो 30 मीटर तो उसने पहले नीचे से स्टार्ट किया बिलो सी लेवल, और हाइट हम नापते हैं एट द सी लेवल, मतलब सी लेवल से किसी भी चीज की हाइट नापी जाती है, जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी हाइट सी लेवल से नापी जाती है, लाइक माउंट एवरेस्ट 8,858 मीटर है, तो उसकी 8,858 मीटर जो हाइट है वो कहां से है, वो सी लेवल से। तो यहां भी इसने पूछा है तो आप कितनी हाइट पर हो, तो ये 30 मीटर जो बिलो सी लेवल था इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,470 मीटर, तो मतलब ये जो हाइट है हमारी वो कितनी है, 9,470 मीटर ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मिस्टर बुटिस्टा हैज ए बैंक बैलेंस ऑफ -$42, मिस्टर बुटिस्टा का जो बैंक बैलेंस था वो -$42 था। ओके एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ के स्टार्ट में, आफ्टर शी डिपोजिट $6 व्हाट वुड इज द न्यू बैलेंस, तो अगर वो $6 जमा कर देती है, क्या कर देता है, तो उसका जमा कर देती है
तो उसका बैंक बैलेंस कितना होगा, तो माइनस 42 प्लस 6 ये हो गया हमारा माइनस 36, तो उसका जो बैंक बैलेंस होगा वो होगा माइनस 36 डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एट द सनराइज, जब सुबह होती है द आउटसाइड टेम्परेचर वॉज 1 डिग्री बिलो 0, तो टेम्परेचर वो 1 डिग्री बिलो होता है नीचे किससे, 0 से, तो 0 से नीचे क्या होता है टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा -1 डिग्री। बाय लंच टाइम द टेम्परेचर रोज बाय 17, लंच टाइम में टेम्परेचर 17 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ जाती है, तो माइनस 1 था और उसमें 17 बढ़ गया तो ये हो गया 16 डिग्री सेल्सियस, तो दोपहर में 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एंड देन फॉल बाय 4 डिग्री बाय नाइट, और रात में 4 डिग्री कम हो जाता है, तो कम हो जाना मतलब सर्दी हो जाना, तो 16 में से 4 डिग्री कम कर देंगे तो टेम्परेचर कितना हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे द टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे द टेम्परेचर वॉज 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब याद रखना जब भी हम टेम्परेचर बढ़ने की बात करते हैं राइज, ठीक है, और टेम्परेचर जब डाउन होता है इसका मतलब है गर्मी कम हो गई, मतलब वो सर्दी की तरफ जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोला द ए समरी होवर्स एट 240 मीटर बिलो सी लेवल, ये सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, और इससे समरी 240 मीटर नीचे की तरफ ओवर कर रही है मतलब चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इट इफ इट डिसेंड एट डिसेंड्स 160 मीटर एंड देन असेंड 390 मीटर, व्हाट वाज इट्स न्यू पोजीशन, अगर वो इससे भी कितने नीचे और चली जाए 160 मीटर नीचे, डिसेंड मतलब नीचे चली जाए और फिर 390 मीटर ऊपर आ जाए, 390 मीटर ऊपर आ जाए तो व्हाट वाज इट्स न्यू पोजीशन, तो उसकी न्यू पोजीशन कितनी होगी, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गई हमारी 400 मीटर। ठीक है, और उसके बाद 390 वो ऊपर आ जाती है तो उसकी जो न्यू पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब यहां पर 10 मीटर किसका ले लेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और प्लस क्या दिखाता है वो सी लेवल से ऊपर की तरफ है, तो यहां पर ले लेंगे हम माइनस का 10। ठीक है, ये जो डिसेंट वाली हाइट है ये सारी की सारी नेगेटिव होगी और जो ये ऊपर उठने वाली हाइट है ये पॉजिटिव होगी, तो ये माइनस का 400, ये प्लस का 390, दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 10 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9 ब्रैकेट एंड 24 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4, एंड प्लस माइनस माइनस डिवाइड का साइन, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस का 4, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे हमें। ठीक है, 36 6 4 9 के डेल में कितनी बार में 4 बार में, एंड 24 6 के डेल में 4 बार में, उसके बाद 4 से 4 डिवाइड होगा बचेगा 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया हमारा प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 -17 मॉडुलस प्लस 17 डिवाइडेड बाय -25 मॉडुलस -42 मॉडुलस। ठीक है, तो अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था मॉडुलस के अंदर चाहे प्लस की वैल्यू हो, नेगेटिव हो वैल्यू या पॉजिटिव हो, हमेशा वो खुलने के बाद वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहां पर भी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, यहां पर भी माइनस का है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मॉडुलस नहीं था तो ये एज इट इज रहेगा, जिसमें मॉडुलस होगा वही पॉजिटिव होगा। अभी अंदर वालों को सॉल्व करेंगे 34, हाँ जब तक अंदर एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक इसको मॉडुलस को नहीं हटाना, अभी यहां पर डबल वैल्यू अंदर की तरफ, तो इसको पहले सिंगल करेंगे और सिंगल करने के लिए इनको कर देंगे सॉल्व, 25 में से 42 क्या बचा 27 माइनस का, एंड मैंने बताया मॉडुलस हटेगा तो वैल्यू कैसी आ जाएगी प्लस की,
ठीक है, एंड 34 डिवाइडेड बाय 70 आंसर आ गया 2, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट। ठीक है, बस मॉडल बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर अंदर 3-4 वैल्यू दी हुई है तो उनको तब तक मॉडल्स नहीं हटाना उनका जब तक एक सिंगल वैल्यू में वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। ठीक, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। थैंक यू।